सर चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, चिकन हंडी है, मगज है, हलीम है, निहारी है, पाया है। जी जी, किधर से हो भाई जान? पाकिस्तान से। पाकिस्तान, ये तो सारे पाकिस्तानी मिल रहे हैं यार। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओह माय गॉड, जबरदस्त जबरदस्त, इमरान खान का जियाला। इमरान खान के दीवाने हम, दीवाने दीवाने। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज मैं यहाँ पे मस्कत में हूँ, जा रहा हूँ, एक जगह है उसको रूह भी कहते हैं यहाँ पे, और लिटिल इंडिया भी कहते हैं। लिटिल इंडिया क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोगों की कारोबार है, दुकानें हैं मालाबार वगैरह की, और पाकिस्तानियों की भी बहुत सारी दुकानें और ख़ास तौर पर रेस्टोरेंट्स वगैरह है। पहले मैं खाना खाने गया था, लेकिन अभी मैं अब्दुल बासित भाई के साथ जा रहा हूँ। तो अब्दुल बासित भाई, वेलकम। थैंक यू सो मच। और ये बताया कि यार यहाँ पे इसको लिटिल इंडिया मैंने सुना था ऑनलाइन, क्यों कहते हैं? यहाँ पे अक्सरियत जो है ना वो इंडियनों की है, और बहुत पुराने टाइम से, यानी जब समझे मस्कत स्टार्ट हुआ था, ओमान स्टार्ट हुआ था। अच्छा, उस टाइम से? उस टाइम से जो है ना इंडियनों की अक्सरियत, पाकिस्तानी भी हैं पर अक्सरियत इंडियनों की है, वो यहाँ पे आए थे बिजनेस वगैरह करने के लिए। तो तब से जो है ना बिजनेस में ये लोग आगे हैं और डेवलप हुआ हुआ है इंडियनों के नाम से, लिटिल इंडियन कहते हैं इसको। अच्छा, लिटिल इंडिया। अच्छा, ये है कि ओमान में एक टाइम पे ना इंडियन रुपया भी चलता था, आप लोग अगर सर्च करोगे ना तो एक टाइम इनकी ऑफिशियल करेंसी इंडियन रुपया हुआ करता था एक ज़माने में। और इंडियन रुपया जो है ना यहाँ पे, मतलब एक तारीख अपनी है, और इंडियन लोगों की भी और पाकिस्तानी लोगों की भी, तो इस हवाले से यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा झलक दिखती है देसी कल्चर और देसी चीज़ों की। तो अभी हम इस तरफ जा रहे हैं, पहुँचने ही वाले हैं, और हम लोग खाना भी खाएँगे एक रेस्टोरेंट में, आपको फूड वगैरह भी दिखाते हैं। ये भाई जान लिटिल इंडिया के पतली पतली गलियों से हम लोग निकल रहे हैं यहाँ मस्कत में। बिल्कुल यहाँ पे यार लोकल फीलिंग आ रही है, जैसे बंदा पाकिस्तान या इंडिया में हो ना। ये देखे, ये भाई घूर घूर के देख रहे हैं हमें, अपना अपना सा लग रहा है ना। तो भाई लोगों से हमने यहाँ पूछा है ना कि आपकी कितनी तनख्वाह है, तो 70 तनख्वाह वाली, 80 दरहम तनख्वाह वाली, 100 दरहम तनख्वाह वाली, 120, 150। एक तो यार दिनार और दरहम और ये पता नहीं चलता, मिक्स हो जाते हैं ना। अच्छा दोस्तों, हम लोग अब्दुल बासित भाई के साथ आए हैं यहाँ पे रूवी के एरिया में एक रेस्टोरेंट, अभी दोपहर का खाना खाएंगे। और रेस्टोरेंट का क्या नाम है अब्दुल बासित भाई? हैकल। इसकी क्या खास बात है कि अभी इधर लेकर आए हो? अच्छा, पाकिस्तानी टोटल है लेकिन पिशावरी ज्यादा फेमस है। ओके, फिर आइए चलते हैं पिशावरी खाने देखते हैं। ये है अल हैकल रेस्टोरेंट। कहाँ बैठ सकते हैं यार? मरहबा। ये है जी रेस्टोरेंट, बिल्कुल जैसे पाकिस्तान में किसी रेस्टोरेंट के अंदर आता है ना बंदा, उसी तरह ये सीटिंग है। और अभी देखते हैं इनका मेन्यू में क्या है। लोकल माहौल जी, पाकिस्तान वाला। बिल्कुल जी, बताएं क्या क्या है सर? चिकन कढ़ाई है, मटन कढ़ाई है, चिकन हंडी है, मगज है, हलीम है, निहारी है, पाया है, चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, मच्छी बिरयानी है, चिकन स्टीम है, मटन स्टीम। तो यार ये मेन्यू है या नहीं? चलो आपने ये बता दिया, आवाज़ वाला वो कागज़ वाला मेन्यू भी दिखा दो, ताकि उसे थोड़ा तसल्ली से देख ले। हाँ, तसल्ली से देख ले। कुछ बताओ यार, मेन्यू बताओ। मेन्यू तो बता दिया उसने, अपने बारे में बताओ। अपने बारे में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीर से हूँ। ओह माशाल्लाह, आज़ाद कश्मीर। 4 साल हो गए मेरे को। 4 साल? 10 साल। कैसे काम चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम। खुश हो आप यहाँ? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खुश हो। मिल के आपसे बड़ी खुशी हुई है। जी भाई, ये इनका मेन्यू भी है बिल्कुल पाकिस्तानी स्टाइल में, एक जगह पे अरबी में लिखा हुआ है, एक जगह पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, मटन कढ़ाई फुल एक 1.8 ओमानी रियाल का है, तकरीबन $4 लगा लो आप। और चिकन कढ़ाई भी उसी तरह है, चिकन कढ़ाई हाफ जो है एक दरहम का है, रियाल का। ब्रेन कढ़ाई, लीवर और ये मटन, सारी चीज़ें हैं। पराठा देखें 150 पैसों का है, चाय 100 पैसे, कॉफ़ी भी है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी हमने ऑर्डर दिया है 2-3 चीज़ों का,
तो जैसे ये भी आता है तो फिर आपको वो भी दिखाते हैं और टेस्ट भी बताएंगे कि कैसा है। होटल का नाम ये जैसे कि लिखा हुआ है, अल हेकल रेस्टोरेंट पेशावरी होटल। तो ये जो है ना, अभी देखते हैं कि वाकई पेशावरी है। कल तो यार हम इस इलाके में धोखा खा गए। अच्छा, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है उसका नाम ही पेशावरी रखा हुआ है। अच्छा, लेकिन उसके खाने में तो इतनी मिर्चें थी, बस वो नाम ऐसे होगा, बाकी जो है वो खाना वगैरह बाकी ये अच्छा हो सकता है इंडियन स्टाइल का हो या इंडियन रेस्टोरेंट भी हो, क्योंकि पेशावरी का मतलब ये होता है कि यार मिर्ची हम लोग बहुत कम खाते हैं। बिल्कुल, और बहुत मतलब वो होता इनके है, इनके पास ये पेशावरी जो लिखते हैं ना, समझे ऑप्शनल है कि अच्छा। अगर आपको पेशावरी खाना खाना है तो वो ऑप्शनल आपको फिर वो फूड दे सकते हैं। अच्छा, उसमें स्पाइसेस कम हो गए, आप उनको बोलेंगे तब। जगह जगह पे जो आपको ये पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं ना, खुश पहाड़, ये एक ओमान की भाई एक अपनी खूबसूरती है मस्कत की। ये एरिया है, ये इसका मेन चौक है आप कह लो, ठीक है, मेन चोरंगी है। और सामने देखिए यार, ये बिल्डिंग के ऊपर अमिताभ बच्चन और कतरीना कैप की तस्वीर लगी हुई है, ये बैनर है कालियान ज्वेलर्स। कालियान ज्वेलर्स मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई मशहूर ज्वेलरी वाला है। और इस तरह के पोस्टर्स आपको यहाँ पे जगह जगह मिलेंगे, यानी इंडियन साड़ी वगैरह। और एक यहाँ पे इशू है छोटा सा, अभी हम लोग आए हैं ना तो दोपहर का 1-2 बजे का टाइम है ना, तो यहाँ पे 1 बजे ना दुकानें बंद हो जाती है, वक्फा हो जाता है, 4 बजे तक फिर बंद रहती है, उसके बाद फिर दोबारा ये ओपन हो जाती है दुकानें वगैरह। अभी बंद हैं ज़्यादातर दुकानें, अभी इस वक्त बंद हैं। आप देख सकते हैं ये सामने आपको शटर्स क्लोज नज़र आ रहे होंगे। वो सामने लुल्लू हाइपर मार्केट, बहुत मशहूर यहाँ पे आपको पता होगा लुल्लू सुपर हाइपर सुपर मार्केट जो है, ये हर जगह होती है, दुबई वगैरह में भी, कुवैत में भी। मौसम गर्म है फरवरी के महीने में, लेकिन ठीक है, मतलब बंदा घूम फिर सकता है इसमें ना। ये देखिए गोल्ड की दुकानें भी है इधर, स्पोर्ट्स एक्सचेंज वाले। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फास्ट फूड के छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं जगह जगह पे, ये ड्राई फ्रूट की दुकान है। और आगे भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये सामने दक्कन दरबार के नाम से रेस्टोरेंट है, लोगों ने अभी छुट्टी की भी है। जी जी, किधर से हो भाईजान? पाकिस्तान से। पाकिस्तान, ये तो सारे पाकिस्तानी मिल रहे हैं यार। क्या हाल है भाईजान? बस खैर खैर, माशाल्लाह ओमान मुल्क बहुत अच्छा है भाईजान। माशाल्लाह माशाल्लाह, यस, लोग भी अच्छे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। ओह माय गॉड, जबरदस्त जबरदस्त, इमरान खान का जियाला। इमरान खान के दीवाने हम, दीवाने दीवाने। किधर से? लाहौर से। हम चिश्तिया बहावल नगर से। बहावल नगर भाई, रहीम यार खान से। जी, मैं रहीम यार खान से हूँ, ये चिश्तिया से है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा जी, ये लिटिल इंडिया में ये लुल्लू है हाइपर मार्केट, बहुत बड़ी है, और बाकी लोकल दुकानें तो बंद है, लेकिन ये एक छोटा सा एक मार्केट ओपन है, नईम ट्रेडिंग। ये सस्ती चीज़ों की मार्केट है, ठीक है, इसमें ये शूज़ और कपड़े वगैरह और सारी चीज़ें मिल जाती है। कैसे भाई लोग? ठीक है भाई साहब। इंडिया से? मैं श्रीलंका। अच्छा, श्रीलंका। श्रीलंका में किधर से? कोलंबो। कैंडी, हाँ माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है कैंडी, पहाड़ वगैरह है ना सारा। मैं गया हूँ ना। हाँ हाँ बिल्कुल जी भाई, सस्ता मार्केट है। आप किधर से भाई? हम बांग्लादेश से भैया। बांग्लादेश से? ढाका। ढाका। अच्छा, यहाँ पे ये बाजार सस्ते मार्केट है? हाँ, ये इधर सस्ता है, जितना भी सस्ता सामान ना इधर सबसे सस्ता इधर मिलेगा। अच्छा अच्छा, लुल्लू का ऑपोजिट साइड में नासिम मस्कट नाम का है। अच्छा, दुकान अच्छा, का नाम है इधर। अच्छा, आएगा तो आपको 50 पैसा, 100 पैसा, 200 पैसा, 500 पैसा, 1 रियाल, मतलब इधर पूरा सस्ता प्राइस है। अच्छा अच्छा, आपको जो भी चीज चाहिए। और क्या क्या चीजें मिलती है इसमें? शर्ट पैंट, टी शर्ट, कम्बल, बेडशीट, ट्रॉली बैग, मुसल्ला, एवरीथिंग इज ऑल, सब मिल जाएगा आपको। अच्छा, लेडीज का बेस्ट है शॉपिंग के लिए, चीप शॉपिंग एकदम बेस्ट मस्कट के अंदर। मैं एक नज़र देख लेता हूँ ये जो अच्छा। देख के जाइए, अगर अच्छा लगेगा तो लेके चले, जरूर जरूर आएगा, पैसा से लेना पड़ेगा, घूम के जाओ देख के। जैसे ये देखो, 1.5 ओमानी रियाल का है ये टी शर्ट है, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी के है, और सर्दी वाली टी शर्ट है, तो सर्दी वाली तो अभी तो सर्दी निकल गई। अच्छा, ये है ना, ये 150 रियाल का ओमान रियल, 500 है ओमानी रियल, 1 रियल 500। ये फिक्स प्राइस है ना हर चीज का? नहीं, आप ज्यादा सामान लेगा तो हम लोग डिस्काउंट भी। अच्छा, डिस्काउंट भी, नहीं ज्यादा पे डिस्काउंट भी कर सकता है, डिस्काउंट भी। ये दिखाना जरा, ये लेडीज का है, 350।
अच्छा अच्छा कोई भी सामान लेगा ज्यादा लेगा तो डिस्काउंट करते हैं। उधर ऊपर लेडीज का सामान भी 100 पैसे का भी सामान है। हाँ 100 पैसा में ये है ना, 100 पैसा और 300 पैसा, ये देखो 100 पैसा, क्योंकि एक ओमानी रियाल जो है वो 1000 पैसा होता है ना, तो 1000 पैसा का जो छोटा नोट है वो 100 पैसा है, लेकिन ये बैसा बोलते हैं बैसा, ये देखो ये 100 बैसा, और यार ये देखो खुदा के बंदे 500 बैसा, और इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। जीन्स है लड़कियों का, वो भी 500 बैसा का ट्राउजर है, और ये एक ओमानी रियाल का है, कोट है पूरा। तो ये छोटी मार्केट तो मैं नहीं कह सकता, बड़ी मार्केट है असल में ना, तमाम चीजें जो गारमेंट्स का सामान है, इवन शूज वगैरह भी इसमें अवेलेबल है। ये देखिए वहां तक अंदर से आके पूरी मार्केट है, ये देखिए बैग्स, हैंड बैग्स, दो ओमानी रियाल। भाईजान दुकान का नाम क्या है? नसीब मस्कट। नसीम मार्केट जी, नसीम मस्कट दुकान का नाम है, लुलू का साइड में नसीम मस्कट। अच्छा लुलू की बिल्कुल सामने। नसीम मस्कट आप लिखोगे तो यहाँ पे आप आ सकते हो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर से आपने मिलना है यहाँ पे इस दुकान में। मैं पाकिस्तान से, कराची ओके, सेम सेम इंशाल्लाह। बहुत अच्छे अच्छे कंबल मिलेगा इधर, ट्रैवल ब्लैंकेट है, बेडशीट है हमारा बांग्लादेश। ये कंबल कितने का है भाई? ये कंबल 2400 का है, 2000 वाला है। अच्छा ये अच्छा क्वालिटी वाला है, बड़ा है, साइज बड़ा है, शू भी है अच्छा अच्छा वाला, बैग है बच्चा का, इसको यानी ये पाकिस्तानी तकरीबन 1400 रुपए का है। इधर का 2000 में मिलेगा आपको, और भी ज्यादा लेगा तो फिर भी हम ज्यादा लेंगे तो फिर डिस्काउंट। और ये शूज देखे, 2000 का भी इसमें है शूज, 1500 का भी है, 3000 का भी है, डिपेंड करता है क्वालिटी के ऊपर। और सामने बैग्स, ये बैग्स है वो भी 2000, 3000, 1500 का भी उसमें है, जबरदस्त यार है। ये देखिए इवन इनके पास ये कारपेट भी है छोटे छोटे, एक का कारपेट। किधर से भाई आप? हाँ इंडिया, एक इंडिया का बंदा ढूंढ रहा था मैं यार, श्रीलंका का मिल गया, बांग्लादेश का भी मिल गया, पाकिस्तान का भी मिल गया, इंडिया का नहीं मिला। हम इंडिया। आप इंडिया, क्या नाम है? हमारा नाम मोहम्मद जुबैर है। मोहम्मद जुबैर, अच्छा इंडियन मुस्लिम, इंडिया में किधर से है आपका? राजस्थान, पाकिस्तान के बॉर्डर के बाजू में। मैं कराची से हूँ। अच्छा सिंध। और आप किधर इस दुकान में काम करते हैं? Yes. अच्छा माशाल्लाह। तो यहाँ पे इस इलाके को लिटिल इंडिया कहते हैं, मैंने ऑनलाइन देखा। हाँ. इस इलाके को लिटिल इंडिया भी कहते हैं? हाँ, यस है। और क्योंकि इधर इंडियन बहुत है, इधर फैमिली इंडियन फैमिली बहुत है। अच्छा रहता है पक्का इधर? हाँ, इसको इनको करीब करीब को नेस्लेडी भी। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, पुराना पुराना जमाने से। अच्छा अच्छा अच्छा, गुजराती को। अच्छा गुजराती को, आपको तो नहीं मिला? नहीं नहीं, हमको किधर मिला, हम राजस्थानी है ना, पाकिस्तानी में आते हैं। अच्छा अच्छा चलो जुबैर भाई, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अभी चैनल अभी आपको दिखाता हूँ, सही है? okay. उस पे आएगा ये वीडियो। इंडिया का भी मिल गया भाई जी। आप किधर से हैं? मैं पाकिस्तान। अच्छा मैं तो आपके साथ हूं। मेरे साथ ही हो ना? तो यार ये तो प्राइसेस तो बहुत नॉर्मल है, रीजनेबल, बहुत बहुत रीजनेबल, इवन की पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से भी ये मुझे चीप लग रहे है की ये देखो 1400, और ये कह रहे की चीज का जो है ना वो भी सही है, क्वालिटी वाइज भी अच्छे हैं। यानी ये इसमें आप कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लेबर तबका है उनके लिए बहुत रीजनेबल शूज है, बैग्स है, ब्लैंकेट है, प्रेयर वो है, मैट है, जानमाल। तो नईम नसीम, नसीम मस्कट दुकान का नसीम मस्कट, नसीम मस्कट जो है ना, ये जगह आपको मिल जाएगा ये दुकान। ये हमारा कंपनी का दुकान है, जेन कंपनी का, इसमें और भी दुकान है, ये लोग का 29 शॉप है ओमान में, ये लोग को जेन कंपनी का दुकान है। चलिए अबू बकर बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है? इधर देखो, इधर एकदम और सस्ता। अच्छा दोस्तों एक छोटा सा हमने टूर किया है, दुकानें ज़्यादातर बंद थी, लेकिन फिर भी आपने देखा कि अगर कोई बैठा हुआ है बंदा मिल रहा है ना तो वो भी इंडिया या पाकिस्तान का निकलता है, और अगर कोई दुकान खुली भी है ना तो वो भी पाकिस्तान या इंडिया की है। तो अभी जो है हम लोग वापस जो है जा रहे हैं यहाँ से, और एक छोटा सा टूर जो हमारा था वो हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। मुझे और ये जो क्या कहते हैं अमिताभ बच्चन साहब है, और साथ में अभी अमिताभ बच्चन के कम्पिटिटर अब्दुल बासित साहब, हम लोगों को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे, लेकिन अगर आप कभी मस्कत आते हो तो कोशिश करें कि रूवी का एरिया जो है ज़रूर विजिट करें। यहाँ इसको आप लिटिल पाकिस्तान भी कह सकते हो, लिटिल इंडिया भी कह सकते हो। इंडिया का तो सिर्फ हमें एक बंदा मिला, लेकिन पाकिस्तानी और बंगाली बांग्लादेशी लोग हमें बहुत ज़्यादा मिले यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। जी बताएं, ये एक और भाई हैं। वालेकुम सलाम जी भाई, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर से हो? पाकिस्तान। पाकिस्तान में कहाँ से? सियालकोट। सियालकोट, मैं कराची से हूँ। हाँ। तो हम इस जगह पे आए थे, हमने विजिट किया पूरा एरिया, लोगों से बात की है। ये भी सियालकोट से है, विजिट कर रहे हैं बस। ये हम देख रहे थे कि यार यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह और दुकानें, सारा इलाका बिजी है ना, पाकिस्तानी इंडियन बहुत ज्यादा है। सही, तो हमने कहा देखते हैं, पूछते हैं लोगों से कैसी है लाइफ यहाँ पे और क्या क्या चीजें। किसको सपोर्ट करते हैं हम लोग?
किसको सपोर्ट करते हैं? हम इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। क्यों क्यों क्यों? इमरान खान एक ईमानदार लीडर है, अच्छा आदमी है, इसलिए। तो क्या किया उसने चार साल में? चार साल में उसने बहुत कुछ किया है, उन्होंने चोरों को अंदर किया है, ये सबसे बड़ा। चोर तो सारे बाहर है। उस वक्त ही नहीं भेज यार, थैंक यू सो मच। आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं और इंशाल्लाह इमरान खान दोबारा जरूर आएगा, ठीक है जी। हम जान भी देंगे। चलो चलो, जान दे देना आप, ठीक है। यार रूई के एरिया में ना एक और जगह है, ये देखे हलवियात पंजाब, पंजाब स्वीट्स के नाम से ये दुकान हमने फाइंड की है। बिल्कुल आप देख लो, जलेबी ये देखिए, गुलाब जामुन और तमाम किस्म की ये मिठाइयाँ। गोलगप्पा भाई देखे, गोलगप्पा कहाँ रहे हैं, कहाँ से भाई आप? खानेवाल पंजाब। ये क्या? सोहन हलवा है, ये भी हलवा है, ये भी हलवा है, और पकौड़े, समोसे, जलेबी, सारी चीज़ें भी जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये है पकौड़ा, कबाब, समोसा, कड़क चाय, और ये किचन है देखो, और ये सीटिंग निकले आप से आलकोटी ही।